जय श्री राम, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। एस्ट्रो रामोतार मिश्रा आज हम लेकर आए हैं कन्या राशि मई माह का राशिफल। बहुत विलंब हो गया, काफ़ी चीज़ें आपने देखा कि चैनल में नहीं आ रहे, आपने देखा होगा कि थोड़ा सा कुछ न कुछ चीज़ें विलंब से लेट हो जाती हैं। अब प्रॉपर देखेंगे कि मई माह में आपका क्या परिवर्तन होने वाला है। और मई माह वैसे भी बहुत विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ा सौगात लेकर आ रहा है, इसमें डेट भी आ गया 10 मई को, क्या क्या अच्छा हो सकता है आपको देखना है। कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं, बुध एक युवराज है, बुध एक सकारात्मक तरीके से बहुत ज़्यादा एक नपुंसक ग्रह भी कहा जाता है। वो कलाओं का भी कारक है, वो कहीं ना कहीं दिमाग का बहुत कारक है, बहुत बड़ी शक्ति या माया को रचने वाला भी होता है। तो इस वक्त जो है इस माह में आपके लिए थोड़ा सा हेल्थ में दिक्कत रहेगी, नजला खांसी जुकाम होने की संभावना आपको बनेगी, खान पान का आपको ध्यान देना है। आपकी वाणी से बोला हुआ वचन किसी के लिए बहुत घातक या बहुत कर्कश वाणी साबित कर सकता है, तो जो आप बोलेंगे बहुत नाप तोल के बोलेंगे, जिससे आपके काम ना बिगड़े बल्कि आपके काम बने। दूसरा, कहीं कहीं ऐसा होता है कि जहाँ कोई नहीं पहुँच पाता वहाँ आप पहुँच जाते हो, तो पहुँच तो जाते हो लेकिन काम की जो प्रायोरिटी है, काम का जो उद्देश्य है, वो अपना काम नहीं करा पाते हैं, दूसरे का आप करा देंगे। ये भी आपने कभी कई बार आजमाया होगा और अनुभव किया होगा अपने जीवन में। तो आपके लिए चंद्रमा थोड़ा सा अपनी माँ की सेवा करनी है और किसी को वाणी बड़े सोच समझ के बोलना है, तब वह फंसने की संभावना देखेगी। और कहीं ना कहीं आप कोई गलत काम नहीं करेंगे फिर भी आप फंस जाएंगे और उसमें आपको कष्ट होगा और खामोखा चीज़ें उल्टी होना शुरू हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं कुटुंब की, दोस्तों की। दोस्तों के लिए, कुटुंब के लिए आप कुछ अच्छा करते हैं लेकिन वहाँ से आपको यश नहीं मिलता, यश मिलता है तो अक्सर आप सोचते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये कहीं ना कहीं आपकी राशि या कुंडली के हिसाब से सारा विवेचन करके देखा जाएगा कि आप जितना भी काम अच्छा करते हो उसको भूल जाओ, उसको याद ही मत करो आपने क्या अच्छा किया, और आगे बढ़ते चले जाओ, आपको अपनी मंजिल मिलना शुरू हो जाएगी। पराक्रम से देखें बहुत मेहनती है। विद्यार्थी जीवन में भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन में भाग ले लिए हैं या लिए हैं या लेने वाले हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, आपको बढ़िया पॉजिटिव सोच के आगे बढ़ना है। रिजल्ट आपके पक्ष में आएगा, अच्छा आएगा, डरने की आवश्यकता नहीं है। शत्रु वर्ग आपका बहुत प्रबल होगा लेकिन सामने नहीं आएगा, रणनीति बनाएगा पीछे पीछे लेकिन सामने आने से डरेगा, उसमें भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपकी वहाँ जीत होगी, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब आप चाहते किसी को मतलब प्रेम करना, नया प्रेम स्थापना करना चाहते हैं या शादी करना चाहते हैं, तो जो शादी करना चाहते हैं शादी तो आपकी हो जाएगी, शादी से आपका भाग्य होगा, लेकिन आप लव मैरिज ना करें, अरेंज मैरिज कर लें तो भी अच्छा है, और लव मैरिज को अरेंज मत लें तो बहुत अच्छी बात है। हो सके तो कोई दबाव नहीं है ना, कोई बहुत बाउंडेशन है कि आपको ऐसा करना है। यदि आप इसमें कोई नया प्रेम करना चाहते हैं तो इस महीने ना करें, वो करें आप जून में, तो आपका रिश्ता थोड़ा अच्छा रहेगा। इस वक्त क्या है कि आपकी राशि के हिसाब से थोड़ा सा मंगली के संकेत दिखाई दे रहे हैं, जो आप रिश्ते को आपका खराब करेंगे, विस्फोट करेंगे, कहीं ना कहीं आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक बनने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। और आप विदेश बाहर की यात्रा भी आपकी दिखाई दे रही है, जन्म से आप घर छोड़ देते हैं तो बहुत सुखी रहते हैं। और दूसरा, ज्योतिष साथ तीसरा नेत्र विज्ञान है, तो विज्ञान वैदिक उपाय आप करेंगे तो आपको उसमें सफलता मिलेगी। कलयुग में चलता है पाराशर का मत, पाराशर जो ऋषि थे ज्योतिष के गणना, तो पाराशर के मत से चलेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। लाल किताब के कुछ उपाय होते हैं जो व्यक्ति के लिए थोड़ा सा कन्फ्यूज कर देते हैं और लाभ नहीं मिलता है, ऐसे में कहीं ना कहीं कई प्रकार की बदनामियों को भी आपने देखना पड़ता है। आप अच्छा खाना अच्छा पहनना बचपन से पसंद करते हैं, काम में रुकावट आती है आपके, स्टार्टिंग बहुत अच्छी होती है, लास्ट में रुकावट आती है, और पैसे भी कहीं ना कहीं आपके पास आ जाएंगे लेकिन उस पैसे को बहुत जल्दी खर्च भी आप कर देते हैं, रोक नहीं पाते हैं, आपको कभी कभी गुस्सा भी आती है। तो कन्या राशि के लिए बढ़िया पन्ना पहनना है आपको, उसके पहनने से आपके आँखों का जलन जो है वो खत्म हो जाएगा, स्किन आपकी अच्छी रहेगी, बाड़ी आपकी अच्छी रहेगी, और कभी कभी जो आपको पेट में दिक्कत दर्द रहता है वो भी दर्द आपको नहीं होगा। कन्या राशि वालों के लिए विशेष ध्यान देना है। दूसरा, आपके लिए सबसे पहले आपको गणेश जी की सेवा करनी है, गणेश जी की और जो क्या कहते हैं भगवान शिव की महाकाल की, हालांकि पिता पुत्र हैं, इनके लिए जितना आप पूजा करेंगे हर सोमवार को बुधवार को दूर्वा चढ़ाएं गणेश जी को तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, और शिव जी को बेलपत्र चढ़ाएं हर सोमवार को तो बहुत अच्छा आपको लाभ मिलने वाला है। कोई आपने कंपटीशन में भाग लिया है, कोई नौकरी करना चाहते हैं, चेंजिंग करना चाहते हैं, परीक्षा देना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको शुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं और आपको सफलता मिलेगी। बशर्ते आप क्या है कि कुछ करने के बाद फिर सोचते पछताते हैं,
तो पहले काम करने के पहले रूपरेखा बनाना, रणनीति बनाना है, हमें क्या करना है, हमारा काम होगा या नहीं होगा, तब आपको सफलता मिलेगी। ऐसे व्यक्ति दिमाग से तो बहुत तेज होते हैं, लेकिन उस दिमाग का इस्तेमाल अपने लिए नहीं कर पाते, कभी दूसरे ही उसका बेनिफिट ले पाते हैं, दूसरों के लिए आप एकदम से टर्न अपना रास्ता कट जाते हैं, उनके पास खड़े हो जाते हैं। वैसे दिल के बहुत साफ होते हैं, झूठ छल कपट भी नहीं इनके अंदर रहता है, लेकिन कभी कभी झूठ बोलते हो समय के अनुसार, लेकिन फिर भी स्पष्ट वक्ताएं होते हैं। तो कुंडली का क्या होता है, पहले विवेचन करवाएंगे तो उसमें सफलता मिलेगी। दूसरा, आप किसी गारंटी ना लें, किसी का उधार पैसे ना दें मई माह में, इससे भी आपको बचना है। तो यदि आप उधार पैसे दें तो पैसा आपका फंस जाएगा, टुकड़ों में आएगा, या आप जो है किसी गारंटी लेते हैं तो आप पैसों छोड़ कर देगा और आप फंस जाएंगे, आगे निकल जाएगा। पूरी रणनीति बनाए आप अपनी रूपरेखा के हिसाब से, आपको पहले दिखाने के बाद कुंडली पूरा कार्य करना है और आपको आगे बढ़ना है, हमारी शुभकामना है। जय सियाराम। आप आचार्य पंडित राम अवतार मिश्रा से विविध प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल है वैदिक ज्योतिष संस्थान, फेसबुक आईडी वैदिक ज्योतिष संस्थान, व्हाट्सएप नंबर है 9650925716, हमारी वेबसाइट है www.astrovedic.com, हमारी मेल आईडी है vedicjyotishsansthan15@gmail.com। एस्ट्रोलॉजर, हॉरोस्कोप कंसल्टेंट्स, हॉरोस्कोप सर्विस, ज्योतिष आचार्य पंडित राम अवतार मिश्रा जी, परामर्श शुल्क जन्म पत्रिका के साथ ₹1100 मात्र, आजीवन सदस्यता ₹11000 मात्र। महर्षि आश्रम के वैदिक ब्राह्मण के द्वारा अनुष्ठान व पूजा विधिवत संपन्न करवाई जाती है। फोन पे नंबर 9891171324, संपर्क सूत्र 01204108727, 9650925716, हमारी वेबसाइट है www.astrovedic.com। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अंधकार से प्रकाश की ओर आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में जन्म कुंडली व्यक्ति के भूत भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए, ज्योतिष ऐसा हो जो आपके सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। इसके माध्यम से शिक्षा, नौकरी, करियर, व्यवसाय, मांगलिक विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारियों से पूर्व से हो तथा उसे अपने अनुकूल बना सके। वैदिक ज्योतिष संस्थान आचार्य पंडित राम अवतार मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर, हॉरोस्कोप कंसल्टेंट, हॉरोस्कोप सर्विस, फोन नंबर 01204108727, 9650925716, हमारा पता है E23 सेक्टर 27 नियर इंदिरा मार्केट नोएडा 201301, हमारी वेबसाइट है www.astrovedic.com।